नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बता दें आपको कि किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानून का, तो वहीं पर आज रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है, रेल रोको आंदोलन चलाया जा रहा है और किसान जगह जगह पर रेल रोक रहे हैं। तो किसानों का रेल रोको अभियान चल रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 85वां दिन है और आंदोलन को लेके और किस तरह फोर्स लगाई गई है एक्स्ट्रा? आज एक प्रोग्राम है इनका प्रोटेस्ट करने का, बीकेयू एकता उग्राह फैक्शन या लुधियाना रेलवे स्टेशन पे इन्होंने प्रोटेस्ट करना है 12 बजे से 4 बजे तक। इसके लिए हमारे प्रॉपर इंतजाम है, हम एंटी सैबोटेज चेक करा रहे हैं एंड इन कोऑर्डिनेशन विद जीआरसी एंड द सिविल अथॉरिटीज। सो वी हैव मेड एम्पल अरेंजमेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी सिक्योरिटी एंड पीसफुल प्रोटेस्टिंग। और हम कितनी फोर्स लगाई गई है यहाँ पर? अराउंड 100 के आसपास हमारी फोर्स है। इसमें अलग अलग टीम्स हैं, एंटी सैबोटाज एंड डॉग स्क्वाड एंड ऑल, उनसे हमने प्रॉपर चेकअप करा। है ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। स्पेशल फोर्स की 20 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और कई राजनीतिक दल भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। आज शाम 4 बजे तक यह रेल रोको अभियान चलेगा। और फिलहाल की अगर आपको अपडेट बता दें तो किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए मेट्रो रेल प्रबंधन भी एहतियात बरत रहा है। टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन, पंडित श्रीराम शर्मा, बहादुरगढ़ सिटी और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है और वहीं रेल मंत्रालय ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है और सीनियर अफसर रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग भी कर रहे हैं। तो किसान अलग अलग जगहों पर रेल रोको अभियान कर रहे हैं और वहीं पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो बता दें आपको कि आज कृषि कानून का जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और तकरीबन आज उसका 85वां दिन है, जिसको लेकर किसान लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर भी अब किसानों ने बड़ा ऐलान किया, आज 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यह अभियान चलाया जाएगा जहां पर रेलों को रोका जाएगा। तो रेलवे ने 20,000 अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए हैं। तो वहीं पर किसान नेता कह रहे हैं कि कानून वापसी से पहले घर वापसी नहीं होगी, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम यहीं पर डटे रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। तो कृषि कानून को लेकर लगातार किसान डटे हुए हैं और सिर्फ उनकी यही मांग है कि MSP पर कानून बनाया जाए, साथ ही साथ तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। सरकार और किसान दोनों के बीच में अब जो टकरार है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीच का जो रास्ता है वो यहां पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं लेकिन सारी वार्ताएं बेनतीजा रही हैं। वेट करेंगे, घर तो जाना ही है, यही है। बाकी कि हम किसानों के साथ भी हैं, सरकार ने जो अपना काम करना है करने है। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असद। कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है? लुधियाना से दिल्ली जाना है, उसके बाद बिहार जाना है। अभी तो 4 बजे तक जाम रहेगा, तो क्या कितनी दिक्कत है उसमें? तो बहुत परेशानी होगी हम लोगों को, तो अभी तो इधर ही रहना होगा। फिर तो जाना तो जरूरी है, अब देखिए क्या होता है आगे। हेलो, तो क्या कहेंगे किसान आंदोलन जो चल रहा है उसकी वजह से लोगों को परेशानी आ रही है? उनकी वजह से किसान आंदोलन तो वो अपनी तरह से ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन को नहीं रोकना चाहिए क्योंकि बहुत सारी आम जनता को परेशानी हो रही है उसके लिए। तो वो अपना काम तो सही कर रहे हैं, वो ज़रूरी भी है क्योंकि उससे बहुत सारी पूरी पब्लिक को नुकसान है, लेकिन ट्रेन को नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, अलग कल लुधियाना से। फिर लुधियाना के आपको दिखा रहे थे जहां पर यात्रियों ने कहा कि किसान आंदोलन की वजह से हमें काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, जो आम इंसान है काफी ज्यादा परेशान हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि विरोध प्रदर्शन करना ठीक है क्योंकि उनके हिसाब से जो भी
कृषि कानून में है वो उस हिसाब से किसान उस बात को ठीक नहीं मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो आम इंसान है वो ज़्यादा परेशान हो रहा है। अगर किसान प्रदर्शन करना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, रेल को ना रोका जाए। तो यात्री भी पहुंचे हुए हैं रेलवे स्टेशन पर, और लेकिन इस बीच उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आज 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यह प्रदर्शन किया जाएगा और यह अभियान चालू रहेगा। हालांकि सरकार अलर्ट पर है, आरपीएफ और रेलवे पुलिस भी अलर्ट पर हैं, सीनियर अफसर स्टेशनों पर चेकिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस की तरफ से 20,000 अतिरिक्त जवान और तैनात कर दिए गए हैं। तो कृषि कानून के खिलाफ लगातार यह प्रदर्शन और ये आंदोलन नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से किसान दावा करते हैं कि हमारे इस आंदोलन में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी एंट्री नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में भी, इस अभियान में भी जो पार्टियां हैं वो भी यहां पर शामिल होती हुई नजर आ रही हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आज जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जी देखिए ऋचा जी, आज 12 बजे से 4 बजे तक तीनों कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है, जिसमें पूरे देश में किसान रेल रोकेंगे, पटरियों पर अपना धरना देंगे और सरकार से मांग करेंगे। उसको देखते हुए रेलवे ने और दिल्ली में मेट्रो की जो संस्था है डीएमआरसी, दोनों ने अपने विशेष इंतजाम किए हैं। डीएमआरसी के बारे में मैं आपको बताऊं तो कुछ मेट्रो स्टेशन एहतियात के रूप में बंद कर दिया गया है, जिसके आदेश डीएमआरसी ने आज सुबह दे दिए, जिसमें टीकरी बॉर्डर है, पंडित श्रीराम शर्मा मेट्रो स्टेशन है, बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन है और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन है। यहाँ ना एंट्रेंस जा सकते हैं ना एग्जिट के लिए, दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। वहीं अगर आरपीएफ की बात करें, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, तो उसकी 20 अतिरिक्त कंपनियां आज तैनात कर दी गई हैं। प्रत्येक कंपनी में 1,000 जवान होते हैं, तो 20,000 जवान एक्स्ट्रा तैनात की गई है। तो आप देखिए, मुख्य रूप से जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के एनसीआर का वो इलाका है या पश्चिम बंगाल, बिल्कुल लगता संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे प्रशांत जी आपसे। तो तस्वीर भी आप देखते हुए नजर आ रहे हैं, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंबाला से संवाददाता है राजकुमार शर्मा। राजकुमार, फिलहाल वहां पर क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे राजकुमार आपसे। तो तस्वीर भी आप देखते हुए नजर आ रहे थे जहां पर जो किसान है रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर किसान एकता फ्रंट की तरफ से जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेल रोको आंदोलन, जो कि किसानों ने दिल्ली से जिस चीज की एक आवाज दी थी कि आज के दिन 12 से। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आम इंसान है, आम जनता है, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ये तस्वीर जहां पर ये झंडे लेते हुए राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही हैं। हालांकि किसानों ने वादा किया था, दावा भी किया था कि इस आंदोलन में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो नहीं होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो वादा टूटता हुआ नजर आया, वो दावा भी झूठा होता हुआ नजर आया, और इस आंदोलन में कहीं ना कहीं पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी नजर आ रही हैं। ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल में कई पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और हर जगह नजर बनाए हुए। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो ट्रेन के आगे खड़े हुए हैं और ट्रेन के ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंबाला से संवाददाता राजकुमार शर्मा। राजकुमार, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आज 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया था, और उसी के तहत आज 12 बजे ये जो लोग हैं ये जो अमृतसर दिल्ली जो रेल मार्ग है इस पर बैठ गए हैं, और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती ये कोई ना कोई इस प्रकार से काम करते रहेंगे। इनका कहना है कि आज जो इनका रेल तक का जाम है वो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक है, और इसी दौरान ये सरकार को अपना विरोध जता रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर सरकार इसके बावजूद भी नहीं मानी
तो किसान जो है वो कोई ना कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। जी राजकुमार, क्या कोई हिंसा की खबर सामने आई है? कहीं कोई हिंसा हुई हो, छुटपुट हिंसा हुई हो, ऐसी कोई जानकारी? जी अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के जो पाबंद ताकतोबंद की गई है, यहाँ पुलिस और जीआरपी और आरपीएफ के जवान जो है मौके पर खड़े हुए हैं, और किसान भी इस तरीके से कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि शांतिपूर्वक इनका प्रदर्शन चल रहा है और रेलवे लाइन पर ये बैठे हुए हैं। और इनका साफ तौर पर पहले ही कह दिया गया था कि कोई भी किसान जो है हिंसा नहीं करेगा, शांतिपूर्वक तरीके से नारेबाजी कर। यानी फिलहाल अभी जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और पटरी पर अन्नदाता बैठे हुए हैं, और इसको लेकर भी लगातार यही कहा जा रहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, तो हम अपना प्रदर्शन और आगे बढ़ाएंगे, उसको और तेज करेंगे। राजकुमार, तस्वीर भी आपने देखी वहां पर, जिस तरीके से आपने वहां पर किसानों से बातचीत भी की होंगी, तो हालांकि उन्होंने यही बात सामने आई थी कि हम नहीं मानी तो हमारी बातों को नहीं माना जाता है। अगर मैं आम इंसान, आम जनता की बात करूं, तो उन्हें कितनी परेशानियां हो रही हैं इस आंदोलन से? जी बिल्कुल, जनता को तो इससे परेशानी होनी है, क्योंकि जो ऐसी सैकड़ों ट्रेन है जो पूरे देश के अंदर जो है रोक दी गई है, जिन्होंने अपने जगह गंतव्य स्थान पर पहुंचना था वो 4 घंटे देरी से पहुंच पाएंगे, और कोई ऐसा भी होता है कि किसी को इमरजेंसी भी होती है, कोई रेल यात्रा जो है वो सिर्फ तफरी के लिए तो नहीं करता है, कोई ना कोई जरूरी काम होते हैं और उनके जो जरूरी ये काम है वो अटक सकते हैं, इसलिए जनता में इस प्रति रोष है। और उनका इस प्रकार से कहना है कि या तो इनकी मांगे जल्द मान जाए या फिर इनको रेलवे लाइन से हटाया जाए। जी राजकुमार, क्या इस आंदोलन में कोई पार्टी नजर आई है, कोई सक्रिय पार्टी इसमें नजर आ रही हो, या फिर जो राजनेता है क्या वो इसमें शामिल हुए हैं? जी बिल्कुल नहीं, किसानों ने स्पष्ट तौर पर कल ऐलान कर दिया था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक पार्टी का नेता या कार्यकर्ता इस समारोह में शामिल नहीं होगा, यहाँ सिर्फ किसान ही है जो रेल रोके बैठे। जी लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां करती है राजकुमार, क्योंकि तस्वीर हम देख रहे हैं कि वहां पर जो झंडे फहराते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और खबरें ये भी आ रही है कि वहां पर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी शामिल हो रही है इस आंदोलन में। जी बिल्कुल, कुछ एक जगह पंजाब में और हरियाणा के कुछ एक स्थानों पर जो है कांग्रेस सहित जो अन्य इनेलो है उसके कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, और उन्होंने भी रेल रोको आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया, क्योंकि उनका भी मुख्य रूप से एक ही निशाना है जो बीजेपी है, उनका कहना है कि या तो सरकार की मांगे माने या 3 अध्यादेश रद्द ले, या फिर सरकार जो है अपने आप चली जाए तो ठीक है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत शर्मा भी, दिल्ली से जुड़े हुए हैं लगातार। प्रशांत जी, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है, क्या वहां पर कोई छिटपुट हिंसा सामने आई है, ऐसी कोई खबर? जी रिचा जी, अभी ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है जी। और दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि डीएमआरसी ने जो इंतजाम किए हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जो इंतजाम किए हैं, उसके असर देखने को मिल रहा है। आप देखिए गाजीपुर बॉर्डर है, उसके पास में मोदी नगर रेलवे स्टेशन है जो गाजियाबाद में आता है, वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, रेलवे ट्रैक पर मौजूद है, काफी कड़ी सुरक्षा है, क्योंकि उम्मीद है कि गाजीपुर बॉर्डर से किसान टिकैत के नेतृत्व में यहाँ आ सकते हैं और इस रेलवे लाइन पे कब्जा कर सकते हैं। वहीं उसके अलावा बात करें तो नांगलोई रेलवे स्टेशन है, वहां पे भी दिल्ली में काफी सुरक्षा बढ़ाई गई है, उम्मीद की जा रही है कि यहाँ प्रोटेक्शन फोर्स की जो भारी तैनाती है उसको देखते हुए किसान नहीं आएंगे, लेकिन एहतियातन सुरक्षा लगातार बढ़ाई जा रही है, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो चाहे डीएमआरसी हो, उसने भी जिन मेट्रो स्टेशन पर संभावना थी कि वहां से किसान सफर करके पहुंच सकते हैं या वहां कोई ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, तो उनके एंट्री और एग्जिट गेट को पहले ही बंद कर दिया गया है। और लगातार दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांवा जो आसपास के इलाके, सभी जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आप देखिए रेलवे ने 20,000 अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डीजी अरुण कुमार हैं, वो खुद प्रदर्शनकारियों से अपील कर चुके हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को परेशान ना करें, और लगातार बोर्ड से मंत्रालय इस पे नजर रखे हुए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे पुलिस को हाई अलर्ट पे रखा गया है। बिल्कुल प्रशांत जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जयपुर से लाइव हैं, जगतपुरा रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए हैं संवाददाता हैं लोकेश नागर। लोकेश, आप वहां पर मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर, फिलहाल वहां पर क्या कुछ तस्वीर देख रहे हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर? जी बिल्कुल, किसान संगठनों के आह्वान पर जयपुर में भी, राजधानी जयपुर में रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है, और यहाँ रेलवे ट्रैक पर रोकने की चेतावनी किसान संगठनों की ओर से दी गई थी, एहतियातन भारी पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात किया गया, और अभी तक किसान संगठन के जो लोग हैं वो जगतपुरा नहीं पहुँचे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से यह माकूल व्यवस्था की गई है, जो सुरक्षा बल हैं वहाँ यहाँ तैनात किए गए हैं बड़ी तादाद में, दूसरी तरफ मीडिया का भी यहाँ भारी जमावड़ा है। वहीं 90 दिन से ऊपर इस किसान आंदोलन को चलते हो गए, और राजस्थान में भी अब क्योंकि किसान आंदोलन गति पकड़ने लगा है,
चाहे वो राजनीतिक दलों कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी यहाँ किसानों के समर्थन मैदान में आए और थे और तमाम किसान संगठन इस आंदोलन में सक्रिय हो रहे हैं। तो तीन कृषि बिलों को लेकर राजस्थान से भी एक बार अब आवाज़ बुलंद होने लगी और बड़ी तादाद में यहाँ किसानों के पहुँचने की संभावना है। इसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं, चाहे रेलवे सुरक्षा बल हो या फिर राजस्थान पुलिस के जवान बड़ी संख्या में यहां नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ यहां रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए भी आरपीएफ के जो जवान हैं वो यहां तैनात किए गए हैं, भारी पुलिस जाप्ता है यहां। जी बिल्कुल, यानी कि पुलिस मौके पर मौजूद है, सुरक्षा की दृष्टि के हिसाब से हर पल नजर रखी जा रही है। और हमारे साथ भी लगातार जुड़े हुए वरिष्ठ संवाददाता हैं रमेश पुरोहित। रमेश जी, तस्वीर भी कुछ और बयां करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने कहा था कि हम आपसे दावा करते हैं कि जिसमें राजनीतिक पार्टियां शामिल नहीं होंगी, लेकिन यहां पर राजनीतिक पार्टियां क्यों नजर आ रही हैं? लगता है संपर्क टूट गया है, तो आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, परोक्ष रूप से पॉलिटिकल पार्टी जिसमें शामिल थी, चाहे कांग्रेस हो या अन्य विरोधी दल, दरअसल किसान आंदोलन एक तरह का इस तरह का उनके लिए प्रयोग के रूप में सामने आया। पहले सीए की बात कर लें, सीएम के दौरान भी ऐसा ये आरोप लगे थे विपक्षी दलों के ऊपर कि वो जो है उस आंदोलन में कहीं ना कहीं शामिल रहे। और जहां तक किसान आंदोलन की बात है, शुरू से ही आज लगभग इसको 80 दिन से भी ज़्यादा समय हो गया है, परोक्ष रूप से राजनीतिक दल जो है वह इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। लिहाजा वो लोग भी यही चाहते हैं कि केंद्र सरकार इन तीन कानूनों को वापस ले और किसानों का आंदोलन जो शुरू हुआ था उस समय जो है किसान नेताओं के जो हाथों में इसकी कमान थी, लेकिन 26 जनवरी के बाद में जो घटना घटी उसके बाद में यह आंदोलन अपरोक्ष रूप से नहीं, अब तो सीधे सीधे खुल करके कांग्रेस और अन्य विरोधी दल जो है इस मैदान में आ गए, इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। लिहाजा लगता है कि कहीं ना कहीं अब किसान आंदोलन राजनीतिक जो है एक भूमिका में आ गया है। और जहाँ तक राकेश टिकैत की अगर हम बात करें, तो राकेश टिकैत ने बहुत पहले इस बात के संकेत दे दिए थे, जब हरियाणा में वो गए थे महापंचायत करने, तब उन्होंने कहा था कि अक्टूबर तक के लिए जो है किसान जो है अपना पूरी तैयारी के साथ में मैदान में उतरे हुए हैं विरोध को लेकर के। लिहाजा मानसिकता यही है कि इस आंदोलन को जितना ज़्यादा लंबा खींचा जाए, खींचना ये जो है किसान जो आंदोलन की जो नेताओं की है वह एक मानसिकता को दर्शाता है। और जब इसमें पूरी तरह से राजनीतिक दल और कांग्रेस खास करके जो समर्थन में उतरी है, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन की कमान को संभाल रखा है और राजस्थान सहित विभिन्न जो राज्यों में किसान महापंचायत या किसान सम्मेलन हो रहा है उसमें राहुल गांधी की जो है उपस्थिति इस बात का संकेत है। और वो लगातार पिछले 80 दिनों से किसानों के बारे में जो बात कह रहे हैं, सरकार से जब सवाल पूछ रहे हैं, तो मंतव्य साफ और स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस अब खुल करके किसान आंदोलन के पक्ष में खड़ी हो गई है और लगता है कि आने वाले दिनों में भी वह इस मामले को लेकर के, और जहां तक सदन की बात अगर मैं करूं तो विधानसभा से लेकर के सड़क तक जो कांग्रेस इस बात को मुख्य रूप से उठाती रही है और सदन में भी जो विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, उसमें भी कांग्रेस के जो लोग हैं, विधायक हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सदन में इस बात को लेकर के अपनी जो है मंशा जाहिर की और अपना जो विचार व्यक्त किए, इससे लगता है कि कांग्रेस अब खुल करके किसान आंदोलन के पक्ष में खड़ी है और किसानों की बात को लेकर के और खास करके तीन कानूनों को वापस लेने का जो है मांग है वह जोर शोर से उठाती रही है। इसलिए यह आंदोलन अब किसान नेतृत्व से हट करके पॉलिटिकल पार्टीज उसको लीड करने की ओर अग्रसर हो रहा है और 80 दिनों से जो जिस तरह के जो एक इस आंदोलन का भूमिका देख लो, प्रभाव देख लो, वो दिखाई दे रहा है। 26 जनवरी को ऐसा लगा था कि जब वो घटना घटित हुई उस समय के किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ गया, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने उसको एक नया स्वरूप दे दिया है और वो जो किसान आंदोलन का वर्चस्व खास करके उत्तर प्रदेश और पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसका जो असर दिखाई दिया उससे एक बल मिला है। लिहाजा लगता है कि किसान आंदोलन अब पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों में चला गया है। जी 90 दिन तक ये बातचीत का दौर केंद्र सरकार और किसानों के बीच चलता रहा, लेकिन जो निष्कर्ष है वो अभी तक नहीं निकल पाया और अब तो आंदोलन उग्र होने की ओर जा रहा है, क्योंकि रेल रोकी गई है, सड़कें रोकी गई है,
कांग्रेस लगातार अपनी बात को रख रही है, केंद्र के जो भाजपा के मंत्री और विधायक है वो ये कह रहे हैं तीनों बिल किसान के हितैषी हैं, जबकि बीजेपी पर आरोप किसान संगठन और कांग्रेस लगा रही है कि ये जो तीनों बिल हैं किसानों की हत्या करने वाले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और कांग्रेस बार बार राहुल गांधी इस मामले को उठा रहे हैं कि ये जो तीन काले कानून है उसको जब तक कि वापस नहीं लिया जाएगा किसान आंदोलन समाप्त नहीं होगा, और अगर इसको एक कदम आगे और बढ़ा के बताऊँ इसका जो राजनीतिक जो परिणाम निकला है, अभी कल जो पंजाब में नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी बुरी तरह से हार गई है, इसलिए कांग्रेस को भी एक बूस्ट मिल गया है, मॉरल सपोर्ट मिल गया है कि लोग जो है उसके साथ में है, इसीलिए लगता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो में अब किसान आंदोलन को कांग्रेस और ज़्यादा बूस्ट करेगी, और कांग्रेस को जो मजबूती पंजाब में मिला है उसका असर अन्य राज्यों में भी दिखाई देगा। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार किसान बिलों के समर्थन में खड़ी है, और उनका ये कहना है कि जब तक ये तीन कानून वापस नहीं होंगे तब तक जो है ये आंदोलन जारी रहेगा, लिहाजा लगता है इसी बात को लेकर के कि किसान आंदोलन लंबा खींचेगा। पहले जो है सड़कों को जाम किया गया, टोल टैक्स को नाकों को रोका गया, वो जो आंदोलन हुआ, अब रेल जो रोको आंदोलन जो शुरू हुआ है वह और आगे कहां तक जाएगा ये तो एक जो है भविष्य बताएगा, लेकिन अब ये इस बात को लेकर के एडामेंट हो जाना चाहिए दोनों पार्टीज़ को, कांग्रेस किसान नेताओं को और केंद्र सरकार को, कि वे टेबल टॉक के जरिए ही इस मामले का समाधान कर सकता है, अन्यथा जो जो ये आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा हो सकता है कि इसके दुष्परिणाम आज नहीं तो कल दिखाई देंगे। कारण ये है कि खेतों में फसलें खड़ी है, किसान सड़कों पर है, आंदोलनरत है तो प्रोडक्शन जो उत्पादन की हम बात करते हैं तो वह भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, लिहाजा जो आर्थिक चक्र है वह भी रुक जाएगा। पिछला साल कोरोना की भेंट की वजह से जो है आर्थिक गतिविधियां रुकी थी, खेतों में काम नहीं हो पाया था, किसानों के लिए भी एक अलग तरह की स्थिति बनी थी, आर्थिक दुष्चक्र का जो चक्र चला पिछले एक साल से, तो अब दोनों को केंद्र सरकार को भी चाहिए और किसान नेताओं को भी चाहिए कि वे, क्योंकि बातचीत से ही जो है समाधान का रास्ता निकलेगा, लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और किसान नेताओं के भी ये बात समझ में आ गई होगी कि 80 दिन से भी ज़्यादा हो गया है किसान आंदोलन को, किसान आंदोलन को राजनीतिक जो दल हैं उन्होंने अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने का स्वरूप दे दिया है, तो राजस्थान के संदर्भ में किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो पार्टी जो चुनावी राजनीति का, मैं चुनावी शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, कि चुनावी राजनीति में हाशिए पे आ गए थे, पूरे देश के वो दल जो रीजनल एक ताकत हुआ करते थे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, और कांग्रेस का पूरे देश में दो तीन जो है स्टेट्स में ही सरकार है, खास करके पंजाब और राजस्थान की अगर बात करूँ तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा ये राजनीतिक जो स्वरूप लेता जा रहा है, कांग्रेस भी चुनावी राजनीति में हाशिए पर खड़ी है, लिहाजा उसको भी ये जो एक धरातल चाहिए था, जमीनी हकीकत जो मजबूत करनी चाहिए थी, किसान आंदोलन ने उसको कहीं ना कहीं बूस्ट किया है, लिहाजा पंजाब हो राजस्थान हो पूरी तरह से जो है इस कानूनों के विरोध में खड़े हैं, और उसका असर अन्य राज्यों में भी दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे जो रीजनल फोर्सेज है, चाहे साउथ के जो स्टेट्स हो या मैदानी भाग की स्टेट्स हो और उत्तर के, तो कुल मिलाकर के वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो चुनावी राजनीति से हट गए हैं, दूर हो गए हैं और जिनको जनता ने नकार दिया है, वे लोग अब इस किसान आंदोलन के जरिए ही सही। और थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले समय में 4-5 राज्यों में चुनाव होने हैं, आसाम हो, पश्चिमी बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, तो इन राज्यों में चुनाव होने हैं, तो इन चुनावी राज्यों में जो जो परिस्थितियां बनेगी वो आगे की राजनीतिक दिशा को तय करेगी, और उसके बाद जो है तुरंत आपके उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, तो किसानों का जो आंदोलन जो राकेश टिकैत तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंट करते हैं वो वहाँ पर अपनी सियासी ज़मीन भी तलाश रहे हैं, लिहाजा लगता यही है कि आने वाले 2-3 वर्षों में ये जो कवायद किसान आंदोलन के जरिए जो एक राजनीतिक हैसियत बनाने की जो एक अवसर मिला इनको, वो किसी भी हाथ से जाने नहीं देंगे, खास करके कांग्रेस की अगर बात करें, क्यों,
कि अगर दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही जाएगा, तो उत्तर प्रदेश आने वाले समय में जो है वो आपके एक राजनीतिक गढ़ और चुनौती का केंद्र बन सकता है बीजेपी के लिए। लिहाजा राकेश टिकैत के माध्यम से ही सही कांग्रेस और अन्य विरोधी दल जो है इस किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उसकी जो है एक राजनीतिक जो जो धरातल जो कमज़ोर हो गई थी पिछले काफ़ी समय से, वह मजबूत कर सके। और उसमें जो है CAA के बाद में यह किसान आंदोलन ही एक ऐसा बड़ा आंदोलन है जो इनकी कोई भी राजनीतिक जो धरातल है उसको मजबूत करेगा। लिहाजा आने वाले समय में कि कांग्रेस इस मुद्दे को किसी तरह से छोड़ना नहीं चाहेगी। तो जी, आप पहले दिन से इस किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं, लगातार आपकी नज़र बनी हुई थी इस पर। राजस्थान में शुरुआती दौर में ये आंदोलन कमज़ोर था, नेतृत्व की कमी थी, अब तमाम किसान संगठन इसमें उतर चुके हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में इस आंदोलन की दिशा और दशा को किस तरह से देखते हैं? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, अशोक गहलोत की सरकार, और अशोक गहलोत जो है उस मामले को लेकर के क्योंकि कांग्रेस के पास में दो ही ऐसे राज्य होंगे, एक तो पंजाब और दूसरा राजस्थान। और राजस्थान की बात करें तो किसान जो ग्रामीण इलाकों में उनके दिमाग दिल और दिमाग में यह बात घर करवा दी गई है कि यह जो तीन कानून है वह उनके हितों के विरोध में है। लिहाजा अशोक गहलोत सरकार हो और वह पूरे जोर शोर से जो है इस आंदोलन को किसी तरह से जो उसके साथ में जुड़ी रही है। अभी राहुल गांधी भी जब आए थे राजस्थान का दौरा किया दो दिन का, तब भी उन्होंने इन दो दिनों में जो है किसान के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता को जाहिर किया था। और यह बात दीगर है, अलग है कि किसानों के जो कर्ज माफी का मामला है वह भी राजस्थान में जो राहुल गांधी ने जब विधानसभा चुनाव शुरू हुए थे तब भी ये कह के गए थे, और वो जो सहकारी बैंक के कोऑपरेटिव बैंकों के जो ऋण थे वे माफ़ कर दिए गए थे, और केंद्रीकृत जो बैंक है कमर्शियल जो बैंक्स हैं उनको लेकर के जो किसानों की कर्ज माफी का मामला वह केंद्र सरकार के पाले में। तो अशोक गहलोत लगातार इस मुद्दे को सदन में भी उठाते रहे हैं, और बाहर जो है सदन के बाहर जब भी उनको अलग अलग जो मंच मिलता है उसमें भी वे केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि किसानों की कर्ज माफी कांग्रेस ने कांग्रेस की सरकार ने अपनी तरफ से तो पूरी कर दी, लेकिन बाकी का जो पैसा जो केंद्रीय जो बैंकों का जो पैसा है वह केंद्र सरकार ही कर सकती है। लिहाजा दबाव भी वो लगातार बनाते आ रहे हैं, पिछले दो साल से वो इसी मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार को भी घेर रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य का जो बजट का जो पैसा है वह ट्रांसफ़र नहीं करने से वे इस मामले में जो है अक्षम है किसानों को कर्ज माफी का देने के लिए। तो किसानों की कर्ज माफी का जो मसला है वह कांग्रेस के लिए भी दिल के गहरा, और दूसरा कि उन्होंने जो अपने जो घोषणा पत्र में जो कहा था वह भी किसानों के हितों के लिए जो जो उन्होंने बातें कही थी उसमें जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो कर्ज माफी का था। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जो हो सकता था उन्होंने कर्ज माफी की, लेकिन केंद्रीय जो बैंकों का जो जो पैसा है वह माफ नहीं हो सका। लिहाजा कांग्रेस अब लगता ऐसा है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार पर और ज़्यादा दबाव डालेगी कि वो पैसा रिलीज़ करे, ताकि वो कर्ज माफ़ी जो उन्होंने घोषणा कर रखी है वह भी उसका लाभ मिल सके। जी, समीक्षा की बात करें तो सत्तासीन जो कांग्रेस पार्टी है राजस्थान सरकार में है, और राजस्थान में भी दो नेता एक दूसरे को किसान नेता बनने और अपनी छवि को पोस्ट करने में लगे हुए हैं। बात करें सचिन पायलट सामान्य विधायक के रूप में पूर्वी राजस्थान या अपने प्रभाव वाले इलाकों में अलग से सभा कर रहे हैं, किसान महापंचायत बड़ी रैली इकट्ठी कर रहे हैं, राहुल गांधी के दौरे से पहले बयाना और दौसा में दो बड़ी रैलियां की थी, और कल कोट खावदाम सचिन पायलट किसान महापंचायत करने जा रहे हैं। जी सही कह रहे हैं कि सचिन पायलट का जो है अभी पॉलिटिकल जो राजस्थान की जो राजनीति है उसमें साइडलाइन जो पिछले लगभग आप समझ लीजिए कि एक साल से अगर देखा जाए तो वो राजनीतिक हाशिए पे उनके 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 जो पक्ष में जो तय कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद उनके हाथ से चला गया और उप मुख्यमंत्री का जो पद था वह भी हाथ से चला गया, अब वो सिर्फ एक विधायक है। और पिछले दिनों जब एक अजय माकन के आने के बाद में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी और राज्य प्रभारी होने के नाते उन्होंने अशोक गहलोत गुट और जो सचिन पायलट गुट है उनके साथ में एक समझौते की बात कही, पैचअप की बात कही, हालांकि ये पॉलिटिकल कयास लगाया जाता है कि उनके में दूरियां हैं, लेकिन बिल्कुल लोकेश और नागर जी मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे क्योंकि आज शाम 4 बजे तक यह प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा, इसको लेकर भी लगातार किसान डटे हुए हैं और फिलहाल पुलिस की तरफ से एहतियात बरता जा रहा है, कहीं पर हिंसा ना हो, कहीं पर कोई दुर्घटना ना हो, इसको लेकर
पुलिस लगातार सावधानी बरत रही है। मेरे साथ लगातार जुड़े हुए दिल्ली से ब्यूरो चीफ है प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, दिल्ली में भी मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर किसान डटे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, फिलहाल वहां पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है? जी देखिए ऋचा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मोदी नगर रेलवे स्टेशन है ये संदिग्ध पहले ही माना जा रहा था रेल बोर्ड और गृह मंत्रालय की ओर से, और भारी संख्या में यहाँ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस और पीएसी तैनात की गई है, क्योंकि ये गाजीपुर बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक का इलाका है और वहां से टिकट समर्थक किसान काफी संख्या में यहाँ बाहर इकट्ठा हो गए और किसी भी वक्त वहां कब्जा कर सकते हैं, लेकिन रेलवे पुलिस बल का प्रयास है कि उन्हें रोका जाए, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, अगर कोई यात्री उस दौरान फंस भी गए तो हम उसे कुछ खाने पीने की चीजें देंगे, सामान देंगे, परेशानी नहीं होने देंगे, और हम सिर्फ ये अपील करेंगे कि किसानों का आम जनता भी समर्थन करे और कृषि बिल पर जो सरकार उनके साथ कर रही है उस बात को समझे। तो प्रशांत जी, अगर यात्री परेशान होते हैं तो किसान कह रहे हैं कि हम उन्हें खाने की व्यवस्था करेंगे, उनका पानी भी हम देंगे, फिलहाल वहां पर क्या कुछ तस्वीर भी नजर आ रही है, क्या किसानों ने ऐसा कुछ इंतजाम किया है जिस तरीके से वो कह रहे हैं? जी देखिए ऋचा जी, लगातार जो भी किसान आंदोलन चल रहे हैं, आज 85 दिन हो चुके हैं और जहां इनका मुख्य धरना है, चाहे वो गाजीपुर हो, सिंधु हो, टेकरी बॉर्डर हो, चाहे सांजापुर बॉर्डर हो, वहां लंगर चल रहे हैं, तो खाने पीने के सामान की कमी किसानों के पास नहीं है। अगर कोई परिस्थितियां बनती है तो पास में गाजीपुर बॉर्डर है, वहां जहां इनका लंगर चल रहा है वहां से ये सारा सामान उपलब्ध कराने की स्थिति में है, चाहे उसमें बच्चों के लिए दूध हो, राशन हो, पानी हो, जो भी सामान की आवश्यकता पड़ेगी, तो किसान गाजीपुर बॉर्डर से उसका प्रबंध के लिए तैयारी कर चुके हैं। लेकिन रेलवे मंत्रालय और गृह मंत्रालय भी काफी अपडेट है, क्योंकि आप देखिए कई ऐसे रूट हैं जहां पे संवेदनशील माना गया है, चाहे वो दिल्ली लखनऊ रूट हो, चाहे दिल्ली रोहतक जींद जाकल बठिंडा लाइन हो, दिल्ली पानीपत करनाल अंबाला लाइन हो, दिल्ली मुरादाबाद सहारनपुर मेरठ अंबाला रूट हो, दिल्ली पलवल मथुरा कोटा लाइन हो, या दिल्ली पलवल मथुरा झांसी लाइन हो, और मुरादाबाद के सहारनपुर की ओर जाने वाली अधिकतर ट्रेनों को रोकने का इनपुट रेलवे मंत्रालय व गृह मंत्रालय को मिला हुआ है, तो उस हिसाब से रेल मंत्रालय भी अपडेट है और किसान संगठन भी अपनी तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी ऋचा जी, जी बिल्कुल। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार अंबाला से हैं संवाददाता राजकुमार शर्मा। राजकुमार, तस्वीर में फिलहाल क्या कुछ नजर आ रहा है और क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही, कितना प्रदर्शन है वो आगे बढ़ रहा है? राजकुमार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे राजकुमार आपसे। हमारे साथ लगातार भी जुड़े हुए हैं प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, जिस तरीके से आपने खुद कहा कि हालांकि जो मंत्रालय है वो भी तैयार है, पुलिस प्रशासन पूरा तैयार है, सरकार पूरी तैयार है, जिस तरीके से किसानों ने जो रेल रोको अभियान शुरू कर दिया है, ये जो 4 बजे तक चलेगा, इसको लेकर बीजेपी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी देखिए, भाजपा लगातार इसको लेकर एक ही स्टेटमेंट दे रही है कि आम जनता को परेशानी नहीं हो और किसानों के हित में सरकार काम कर रही है, और केंद्र सरकार एक जो रणनीति बना रही है वो ये चाह रही है कि अब किसान आंदोलन कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि आप देखिए 85 दिन हो गए और 5 दिन बाद इसको 3 महीने पूरे हो जाएंगे, और एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है किसी आंदोलन को देखते हुए, और मोदी सरकार के सामने पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके कार्यकाल में इतना बड़ा कोई जन आंदोलन हो रहा हो। दूसरी इसको लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है केंद्र सरकार की ओर, अब देखिए गृह मंत्रालय इस पे नजर रखे हुए, रेलवे मंत्रालय के साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई हुई है जो लगातार इस पे नजर रखे हुए, के अलावा आप देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह खुद सक्रिय हो गए और उन्होंने जितने पश्चिमी यूपी के नेता हैं, परसों उनकी एक बैठक बुलाई थी और जेपी नड्डा उसमें मौजूद थे, भाजपा के सांसद केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, और एक रणनीति बनाकर तय किया गया था कि इन क्षेत्रों में किसान आंदोलन के चलते भाजपा को, केंद्र सरकार को या यूपी की राज्य सरकार को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे की जाए, और उसी की अगली कड़ी में कल केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर से आते हैं, जहां आज काफी ज्यादा उम्मीद की जा रही है, रेल मंत्रालय भी अलर्ट मोड पे कि वहां ट्रेनें रोकी जाएंगी, संजीव बालियान ने भी पश्चिमी यूपी के खाप पंचायतों के नेताओं को, जाटों को, किसानों को बुला के एक बैठक की और तय किया कि आगे कैसे रणनीति बनाई जाए और कैसे केंद्र सरकार, भाजपा और यूपी की राज्य सरकार मिलकर किसान आंदोलन से जो नकारात्मक प्रचार हो रहा है उसे रोके और कैसे किसान आंदोलन को जल्दी से समाप्त करा सके, उसको लेकर एक नई रणनीति बनाई जा रही है। जी ऋचा जी, बिल्कुल प्रशांत जी। और मेरे साथ जयपुर से लाइव लगातार जुड़े हुए हैं लोकेश नागर और रमेश पुरोहित। लोकेश, तस्वीर भी आपने हमको जिस तरीके से दिखाई थी, वहां पर भी कुछ प्रदर्शन लोग कर रहे थे और खुद जो नीरज शर्मा थे उन्होंने भी पूरी बात रखी थी अपनी। अगर हम बात करें कि चुनावों को लेकर, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में अगले साल,
तो इसको लेकर कितना प्रभाव पड़ सकता है चुनावों पर? पायलट से अगर कोई तीसरी शक्ति की अगर कोई बात करते हो तो ये संभावना भी दिखाई देती है, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़कर अगर नहीं जाते हैं तो हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस मिलकर के अगर आगे आती है तो निश्चित रूप से आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उसमें बीजेपी को इसका जो है खामियाजा उठाना पड़ेगा। पुरोहित जी, बात करें किसान आंदोलन से, बीजेपी को लग रहा है कि जो किसान कौमें हैं, चाहे वो जाट हो, यादव हो, मीणा हो, गुजर हो, जो खेती किसानी से जुड़े लोग हैं, वो वोट बैंक बीजेपी से खिसक गया है। बीजेपी में बड़े स्तर पर रणनीति बन रही है इन वोटों को साधने के लिए, चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान। तो किस तरह से देखते हैं, कितना फर्क हिंदुस्तान की राजनीति पर इस किसान आंदोलन का पड़ने वाला है? सही कह रहे हो आप के बीजेपी की जो राजनीति है, ऐसा अमूमन माना जाता है राजनीति कलमुक्कों में कि वह शहरों की पार्टी है और मैक्सिमम सीटें वह शहरों से ही जीत करके आती है। लेकिन जो पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें जो बीजेपी को वोट बैंक मिला हो या वोट जो मिला, वह जाट जो 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 इलाके है उसमें ज़्यादा सीटें जीत के आई है। उत्तर प्रदेश में आप कभी सोच भी नहीं सकते होंगे कि बीजेपी इस तरह का जो प्रदर्शन करके आएगी। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, ये जो जो इलाके हैं वह जाट बाहुल्य इलाके माने जाते हैं। चाहे पंजाब और हरियाणा की बात कर लो या राजस्थान की भी बात कर लो, उत्तर प्रदेश का भी इलाका है उसमें शामिल होता है। तो ये 5-6 स्टेट्स में भी कम से कम जो है 100-150 सीटें ऐसी होती है जिन पर कि जाटों का प्रभुत्व रहता है और वे जीताने और हराने में जो है उसका प्रभाव रहता है। लिहाजा NDA या BJP की अगर बात करें तो एक चुनौती जो पंजाब के स्थानीय निकायों में उभर करके दिखाई दी है कल के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें, तो पंजाब आपके हाथ से जाता है, हरियाणा अगर आपके हाथ से जाता है, और राजस्थान में चूंकि गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो आपके राजस्थान उत्तर प्रदेश में आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी, तो उत्तर प्रदेश में भी इसको नुकसान होने की दिखाई दे रहा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, निश्चित रूप से आने वाले वक्त में NDA को जो है उसका नुकसान हो सकता है किसान आंदोलन के कारण से, क्योंकि ये जाट बाहुल्य इलाके हैं और जाट बाहुल्य इलाकों में ये जो है जो जीत हार का जो प्रदर्शन है वह ये किसान लोग करते हैं, और किसान पिछले अगर कई समय से अगर आंदोलन से जूझ रहे हैं और उसमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज का वो समर्थन है उसको मिल रहा है, तो निश्चित रूप से वो जो है बीजेपी के लिए नुकसानदायी साबित हो सकता है। तो ये थे रमेश पुरोहित जी, जिन्होंने बताया कि किसान आंदोलन को लेकर राजस्थान की नहीं हिंदुस्तान की राजनीति गर्म है और लगातार 90 दिन से किसानों से बातचीत करने का केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, और कृषि बिलों को लेकर जो बातचीत का दौर है वो लगातार अब भी जारी है, लेकिन निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया, और लगातार किसान संगठन इस मांग को रख रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून हैं उन्हें वापस लिया जाना चाहिए, और जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक किसानों का ये आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस समय हम जगतपुरा फाटक पर मौजूद हैं और यहाँ भारी तादाद में पुलिस जाब्ता तैनात है, रेलवे ट्रैक के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ है, और 12 बजे का समय किसान संगठनों द्वारा दिया गया था लेकिन अभी तक जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। एहतियात के तौर पर यहाँ पुलिस जाब्ता और मीडिया का भारी जमावड़ा है। तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं जगतपुरा स्टेशन की और फाटक की, ये तस्वीरें हैं जहाँ आम तौर पर भारी भीड़ भड़का रहता है लेकिन इस समय जो ट्रैफिक है वो भी वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया गया, और दूसरी तरफ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं कोई भारी भीड़ यहाँ नहीं पहुँच सके, इसके लिए बैरिकेड लगाए गए हैं सड़कों पर दोनों तरफ, और तमाम जो लोग हैं उनसे पूछताछ करने के बाद ही ट्रैक को पार करने दिया जा रहा है। इस समय ट्रैक पर सन्नाटा फसरा हुआ और खाली ट्रैक इस समय जगतपुरा फाटक पर है। लोकेश, अगर आप कोशिश कर पाए कि किसी अधिकारी से बातचीत कर पाए, ऐसी किस तरह की तस्वीर यहाँ जगतपुरा फाटक पर रेल रोकने के दौरान बनती है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि किसी भी सूरत में जो रेलवे ट्रैक है उसे यहाँ नहीं रोकने दिया जाएगा। दूसरी तरफ किसान संगठनों की ओर से जो ऐलान किया गया था, कहा गया था कि जगतपुरा फाटक पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर रेलवे ट्रैक को किसानों के समर्थन में रोका जाएगा। जी लोकेश नागर, पुलिस प्रशासन पूरे वहाँ पर मौजूद है और पूरे पुलिसकर्मी अच्छे से तैनात भी है, एहतियात बढ़ता जा रहा है, एक बार आप कोशिश कर सकते हैं बात करने के अधिकारियों से? क्या हो गया?
तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यह रेल रोको आंदोलन किया जाएगा और किसान जगह जगह पहुंचकर ट्रेनों को रोक रहे हैं। हालांकि जो यात्री हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, किसी को इमरजेंसी के लिए बाहर जाना होगा, लेकिन इस वजह से जो यात्री हैं वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसको लेकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही। हालांकि पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है और एहतियात के तौर पर वहां पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, तस्वीर भी आपने जिस तरीके से हमको बताया कि वहां पर जो किसान है प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि जो प्रदर्शन है फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, क्या वहां पर ऐसी कोई जानकारी है कि कोई राजनीतिक दल वहां मौके पर पहुंचा हो या फिर वहां प्रदर्शन किया जा रहा हो? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके आधार दिल्ली में अभी ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी खुल के सामने नहीं आई है। हालांकि विपक्षी दलों का लगातार समर्थन चल रहा है, लेकिन देश के अन्य इलाकों से, चाहे वो बिहार हो, वहां जन अधिकार पार्टी की एक जानकारी आ रही है कि उनके कार्यकर्ताओं ने पटना में रेल रोक दी है। ऐसे ही कई अन्य इलाकों से सामने आ रहा है कि कुछ विपक्षी दल भी इसको समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली जयपुर रेलवे ट्रैक हो तो उसके पास हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गए और वो भी कुछ देर में रेलवे ट्रैक पे कब्जा कर लेंगे। तो कुछ जगह सुनने में आ रहा है, लेकिन दिल्ली में जो अभी है वो मोदी नगर का इलाका है या फिर नांगलोई का इलाका है, वहां उम्मीद की जा रही है। और मोदी नगर के पास किसान पहुंच चुके हैं और वो सारे किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता हैं। जी रिता जी, बिल्कुल प्रशांत जी। और हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जयपुर से लोकेश नागर। लोकेश, आप वहां पर मौके पर मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर, क्या आप किसी अधिकारी से बातचीत कर सकते हैं? पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, थोड़ी दूरी पर बैरिकेड यहाँ एहतियात के तौर पर लगाए गए हैं, क्योंकि किसान संगठनों की ओर से ये कहा गया था कि 12 बजे रेलवे ट्रैक को रोका जाएगा, लेकिन अभी करीब 1 बजे का समय हो गया। एक बार बात करने की कोशिश करिए अधिकारियों से, उनसे पूरी जानकारी लीजिए। करीब ट्रैक से बिल्कुल, हम जब भी यहाँ जो पुलिस के अधिकारी पहुंचेंगे उनसे अपडेट लेने का प्रयास करेंगे। इस समय हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, इस समय रेलवे ट्रैक पर हम मौजूद हैं और रेलवे ट्रैक पर दोनों साइड सन्नाटा फसरा हुआ है, लगातार ट्रेनों का जो आना जाना है वो जारी है। किसान संगठन से जुड़े हुए लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे, कुछ ही समय में उनके यहाँ पहुँचने की सूचना है। इस समय रेलवे सुरक्षा बल के जो अधिकारी हैं वो रेलवे ट्रैक पर तैनात किए गए हैं, हम उनसे नज़दीक जाकर उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये जगतपुरा रेलवे ट्रैक है, उसकी तस्वीरें हैं, सामने रेलवे स्टेशन है और ये जगतपुरा फाटक पर किसान संगठनों की ओर से इस ट्रैक को रोकने की जो चेतावनी है वो किसानों के समर्थन में दी गई थी, लेकिन अभी तक जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। ट्रेन यहाँ पहुँच रही है लगातार, रेलवे ट्रैक पर जो सुरक्षा जाप्ता है वो तैनात है। जी, हालांकि अभी भी किसान वहां पर नहीं पहुंचे हुए हैं, संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं अब तक, और साथ ही साथ अभी किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की जाएगी और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बता दें आपको कि लगभग 20 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और जगह जगह यह प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे हम दिल्ली की बात कर लें, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि जहाँ पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं वहाँ पर अभी भी किसान नहीं पहुँचे हैं, हालांकि वहाँ पर जो ट्रेनों का संचालन है वो सुचारू है और पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर से, जहाँ पर ट्रेनों का संचालन शुरू है। हालांकि जो किसानों ने जो टाइम दिया था कि 12 बजे प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अभी किसान वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और जगह जगह जो प्रदर्शन किया जा रहा है फिलहाल वो शांतिपूर्ण तरीके से बताया जा रहा है। हालांकि अभी कहीं पर भी हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने नहीं आई हैं। तो पटरी पर अन्नदाता डटे हुए हैं और अपनी मांग को लगातार आगे बढ़ाकर भी ये प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है। मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा, साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से लाइव हैं लोकेश नागर और रमेश पुरोहित। प्रशांत जी, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि तस्वीर भी हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत असर देखने को मिला है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार में भी इसका असर देखने को मिला है रेल रोको अभियान का, और दिल्ली में तो इसका असर बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तस्वीर भी काफ़ी कुछ ज़्यादा बयां कर रही है, पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात है,
एक घंटा हो चुका है, अब एक बज गया है, इसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी देखिए रिचा जी, अभी तक जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल्ली से काफी दूर की नजर आ रही हैं। दिल्ली इससे अभी प्रभावित होता नजर नहीं आ रहा है, चाहे उसके लिए रेलवे स्टेशन हो, रेलवे ट्रैक हो, चाहे मेट्रो स्टेशन हो, लेकिन एहतियातन दिल्ली पुलिस है, आरपीएफ है या जनरल रेलवे पुलिस है, तीनों काफी संख्या में तैनात हैं। इसके अलावा स्पेशल जो फोर्स है वो भी तैनात की गई है, लेकिन दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो हरियाणा के हों, राजस्थान के हों या यूपी के हों, जो एनसीआर कहलाता है, वहां इसका काफी असर पड़ने की संभावना दिख रही है, स्पेशली चाहे गाजियाबाद हो, क्योंकि वो जो इलाका है वो राकेश टिकैत के प्रभाव का इलाका माना जाता है, और वहां जो रेलवे स्टेशन आते हैं उन पे इसलिए पीएसी भी भारी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल प्रशांत जी, और तस्वीर भी हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जयपुर से भी लाइव लगातार जुड़े हुए संवाददाता हैं लोकेश नागर। लोकेश, आपने वहां पर अधिकारी भी मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात है, हालांकि ट्रेन का जो संचालन है वो सुचारू है क्योंकि किसान अभी वक्त तक वहां पर नहीं पहुंचे हैं। आप किसी अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश करिए और अपडेट लेने की कोशिश करें। लोकेश नागर लोकेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज 4 घंटे के लिए ये किसानों का रेल रोको आंदोलन लगातार चलता रहेगा। विधानसभा सत्र के बारे में कि सुरक्षा व्यवस्था जो मानक के हिसाब से है वो ऑलरेडी सुनिश्चित कराई जा चुकी है और वहाँ अतिरिक्त फोर्स दिया गया है और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में सभी लोग लगातार भ्रमणशील हैं और इसको देख रहे हैं। ये आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि पूरे यूपी में जो GRP, जो स्टेट पुलिस की, सिविल पुलिस की एजेंसीज हैं, वो RPF, उन सब में आपस में मीटिंग करके समन्वय स्थापित करके व्यापक स्तर से इसके इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरीके का कोई पे कहीं पे भी रेल का ट्रैफिक बाधित ना हो। और सब लेवल पे हम लोगों ने सब लोगों से बात करने का भी प्रयास किया है, उनको पूरी बातें समझाने का भी प्रयास किया है। एक चीज़ सब लोगों को ध्यान में देने की ये बात है कि अगर रेलवे का जो ट्रैफिक अगर बाधित होता है तो इससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, और ये आदमी, ये जो है रेलवे जो है पूरी इकॉनमी की एक बैकबोन है। तो मैं तो आपके माध्यम से सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इसको बाधित करने का कोई प्रयास ना करें, बिकॉज ये पूरी नेशनल इकॉनमी के लिए एक झटका रहता है। हम लोग फिर भी पूरी तरीके से तैयार हैं, सब जगह हम लोगों ने प्रॉपर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, GRP का, RPF का, और सबसे ज़्यादा जो स्टेट का जो सिविल पुलिस का कंपोनेंट है वो सब जगह डिप्लॉय हुआ है, सब जगह लोग लगे हुए हैं। वापसी से पहले किसान घर वापस नहीं जाएंगे, इसको लेकर उन्होंने बयान दिया है। और बता दें आपको कि आज 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन चल रहा है। और हमारे साथ दिल्ली से विरोचिप जुड़े हुए हैं प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, तस्वीर भी हमने देखी है किस तरीके से किसान अवरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, अभी सरकार ने प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दी है क्योंकि सरकार बार बार अपील कर रही है कि किसानों से वापसी के लिए सरकार तैयार है, कृषि बिलों में संशोधन के लिए तैयार है, जब किसान चाहे हम वार्ता के लिए तैयार है। और किसानों का कहना है कि सरकार वार्ता में सिर्फ गुमराह करने का कार्य कर रही है, किसानों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि लगभग 3 महीने होने को आ गए से 85 दिन हो गए, आप देखिए ऋचा जी, तो उसको लेकर किसान संगठनों में नाराजगी है। और आज जो रेल रोको आंदोलन है ये उसी का एक तरीका है कि कैसे दबाव बनाया जाए। राकेश टिकैत ने भी ट्वीट करके अपील की है, रेल रोकने के दौरान रेल यात्रियों को परेशान ना किया जाए, अगर किसी रेल यात्री के पास खाने पीने का सामान नहीं है तो किसान उसका भी प्रबंध करें। उसके अलावा वो लगातार देखिए मोह पंचायत कर रहे हैं, जब से उनके आंसुओं के बाद ये किसान आंदोलन बदला है,
आज भी वो महापंचायतों में जुटे हुए। तो लगातार केंद्र सरकार पे दबाव का प्रयास बनाया जा रहा है किसान संगठनों द्वारा, किसान नेताओं द्वारा, और केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि विपक्ष उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहा है किसानों को। आप देखिए लगातार केंद्र सरकार से भाजपा वो अब उसके प्रचार के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर रही है और किसानों से वार्ता की अभी कोई आगे डेट नहीं दिख रही है, उसको लेकर किसानों में एक बड़ी नाराजगी है क्योंकि आप देखिए काफी लंबे समय से किसानों में और केंद्र सरकार में कोई वार्ता नहीं हो रही है, उसको लेकर भी नाराजगी दिख रही है। तो उसको ही देखते हुए आज ये रेल रोको आंदोलन किया गया है जिससे कि केंद्र सरकार पर एक भारी दबाव बनाया जा सके और उसके जरिए अपनी मांगे मनवाई जा सके। जी रिचा जी, बिल्कुल प्रशांत जी, और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वरिष्ठ संवाददाता है रमेश पुरोहित। रमेश जी, जिस तरीके से अभी आप वहाँ पर मौजूद है रेलवे स्टेशन पर, फिलहाल वहाँ पर जो किसान है वो मौके पर नहीं पहुँचे हुए हैं, और इसको लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ अपडेट सामने आया है, और वहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद है तो क्या आपने उनसे अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है? जी रेचा, सही कह रही हैं कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें आज रेल रोको आंदोलन की जो घोषणा की गई है 12 बजे से 4 बजे तक, मैं जगतपुरा रेलवे फाटक पे खड़ा हूँ, वहाँ पर जो है किसानों के जो आंदोलनकारी है वो रेल रोकने की तैयारी में, पुलिस जाब्ता भी पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे साथ में फूलचंद जी है, हम इन्हीं से जानना चाह रहे हैं कि किस तरह की जो व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। सर, ये जो रेल रोको जो आंदोलन के है किस तरह से यहाँ पर जो है आपने सुरक्षात्मक आंदोलन के अंदर अभी करीब करीब नरेंद्र मीणा करके जो इनका अध्यक्ष है उसके नेतृत्व में ये करीब 1,500-1,500 आदमी आएंगे जो 2 नंबर फाटक पर यहाँ पर ये इनका रेल रोको आंदोलन का प्रोग्राम है। और ये जो हमारे यहाँ जाब्ता लगा हुआ है कम से कम 50-60 आदमी लगे हुए हैं यहाँ पर, और जगतपुरा रेलवे स्टेशन पर भी लगे हुए हैं, वहाँ पर भी कम से कम 20-25 आदमी लगे हुए हैं, पूरी मुस्तैदी से हम ड्यूटी दे रहे हैं, किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। जी, पुलिस के सामने हमेशा एक चुनौती रही है इस तरह के जब आंदोलन होते हैं किसी भी तरह का, रास्ता जाम का हो तो एक चुनौती होती है और एक जो है दिक्कतें भी सामने आती है, लेकिन पुलिस हर समय जो है उनका जो है व्यवस्था कर लेती है और वो जो एक अनहोनी जो घटनाएँ होने की जो संभावना दिखती है वो नहीं होती है। आपका भी एक लंबा अनुभव रहा है इस जो है पुलिस सेवा में रहते हुए, क्या इस तरह के जो आंदोलन होते हैं वह कभी न कभी जो है अलग रूप इख्तियार कर लेते हैं और उसको टैकल करने में आप लोगों को काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से देखते हैं कि इस तरह के जब आंदोलन होता है तो जान माल की भी हानि हो सकती है या उनकी, तो किस तरह से आप इसको थोड़ा देखते हैं? हमको वैसे ऋचा, मैं बता दूं कि आप देखिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है, मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ये जो है किसानों के जो प्रतिनिधि है आंदोलनकारी है वो यहाँ पे आए हैं, और आपके जो जगतपुरा रेलवे फाटक है वहाँ की और पूछ कर रहे हैं। देखिए आप बड़ी, बिल्कुल, तो ये फिलहाल की अपडेट आप तक पहुँचा देती है कि यहाँ पर जो किसान है प्रदर्शन करने के लिए आ चुके हैं और यहाँ पर अभी प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर किसान तिरंगा लेते हुए, और ये आपको न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है जहां पर किसान अभी आए हुए हैं हाथों में तिरंगा लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, और यहां पर किसान नेताओं के झंडे भी उनके हाथों पर हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर किसान का हल्ला बोल यहां पर नजर आ रहा है, और आज यह आंदोलन शाम 4 बजे तक जारी रहेगा, 4 घंटों के लिए यह आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर पुलिस बल तैनात है, हजारों की संख्या में यहां पर किसान पहुंचे हुए, तस्वीर आप देख सकते हैं हाथों में तिरंगा है और किसान के झंडे भी हैं, मौके पर पुलिस बल तैनात है। हालांकि जो समय दिया गया था वो 12 बजे का दिया गया था, लेकिन 1 बजे किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए, और अब यहां पर रेल को रोका जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल भी काफ़ी ज़्यादा खड़े होते हैं कि जो आम इंसान है, जो यात्री हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ये तस्वीर फिलहाल आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, और हमारे साथ लगातार मौजूद हैं बड़े से संवाददाता रमेश पुरोहित। रमेश जी, तस्वीर हम देख रहे हैं किसान हजारों की तादाद में पहुंचे हुए हैं वहां पर। रमेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर से,
लोकेश नागर भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लोकेश, तस्वीर कुछ देख सकते हैं हम किस तरीके से यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान नेता पहुंचे हुए हैं, किसान को प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर से लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर, और न्यूज इंडिया आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है किस तरीके से यहाँ पर किसान हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। हाथों में तिरंगा है और किसान के झंडे भी हैं, और यहीं पर नारेबाजी करते हुए ये किसान नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से किसानों ने जो कहा था कि हम 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये प्रदर्शन करेंगे, ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपको। और मेरे साथ लगातार जुड़ चुके हैं संवाददाता है, जयपुर लाइव से जुड़े हुए हैं लोकेश नागर। लोकेश, जहां पर आप मौजूद हैं, तस्वीर हम देख रहे हैं, वहां पर किसान पहुंचे हुए हैं, हजारों की संख्या में किसान वहां पर मौजूद है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर? जी जब बिल्कुल जगतपुरा रेलवे ट्रैक पर किसानों का जो कब्जा है वो हो गया, और नरेश मीणा छात्र संघ अध्यक्ष रहे थे, पूर्व में छात्र नेता रहे थे, किसान आंदोलन में लगातार सक्रिय हैं। उनके नेतृत्व में करीब 1500 के आसपास जो युवा हैं और किसान हैं वो रेलवे ट्रैक पर पहुंचे हैं। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस जाब्ता है वो यहाँ तैनात किया गया है। एहतियात के तौर पर आप तस्वीरों में भी देखेंगे पीछे करीब 200 से 250 जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ इस समय ट्रैक पर मौजूद है, और ट्रैक की सुरक्षा को यहाँ ध्यान में रखा जा रहा है। बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लेने ग्रामीण क्षेत्रों से जो युवा हैं वो पहुँचे हैं। नरेश मीणा खुद ट्रैक पर मौजूद है और कंधों पर उठाकर ये जो युवा है नरेश मीणा को लेकर ट्रैक पर पहुँचे थे। आगे आगे पुलिस का जाब्ता, और पीछे हाथ में किसान संगठनों का झंडा और तिरंगा झंडा लेकर ये युवा रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुके हैं। इस समय ट्रैक पर पूरी तरह इन युवाओं का कब्जा, और लगातार किसानों के समर्थन में यह नारेबाजी की जा रही है। जबरदस्त जोश इन युवाओं में नजर आ रहा है, और किसानों के समर्थन में जिस प्रकार की नारेबाजी यहाँ हो रही है, देखने वाली बात होगी कब तक ये रेलवे ट्रैक पर बैठे रहते हैं और कब तक रेलवे जो ट्रैक है उस पर रेलों की आवाजाही शुरू। लोकेश, आप एक बार बात करने की कोशिश करिए किसानों से। जंक्शन पर रोक दिया गया है, सभी जो ट्रेन है उनका संचालन रेल प्रशासन की ओर से रोक दिया गया है। जी अभी रेलवे ट्रैक पर ये पहुंचे, हम अभी कुछ ही क्षणों में नरेश मीणा से बात करने का प्रयास करेंगे। भारी भीड़ भड़क का इस समय रेलवे ट्रैक पर मौजूद है। किसान संगठन के जो नेता हैं और जो प्रमुख लोग हैं उनसे बातचीत करने का हम थोड़ी देर में अभी प्रयास करेंगे। जी जी बिल्कुल, ये तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से यहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। और मौके पर हमारे लगातार संवाददाता भी मौजूद हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाई जा रही है। हाथों में तिरंगे का झंडा है और साथ ही साथ किसानों का भी झंडा उनके हाथ में है। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात है, एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कोई जनहानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, इसको देखते हुए पुलिस मौके पर तैनात है और नारेबाजी करते हुए यह किसान नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से यहां पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार वहां पर हमारे संवाददाता लोकेश नागर भी मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। हालांकि वो बात करने की कोशिश करेंगे किसानों से कि किस तरह की उनकी मांग है, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है। फिलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर से, जहां पर किसान पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर, रेलवे फाटक पर पहुंचे हुए हैं, और ट्रेन को रोकने की अब यहां पर ये कोशिश, जहां पर बीच ट्रैक पर यह किसान बैठ चुके हैं, वहां पर खड़े हुए हैं, हाथों में तिरंगा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर किसानों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि आज 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यह प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि यह सभी किसान 1 बजे पहुंचे हैं, 1 घंटे लेट पहुंचे हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि हमारा जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और संवाददाता लगातार मौजूद है जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं लोकेश नागर। लोकेश, जिस तरीके से तस्वीर हम देख रहे हैं वहां पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद है, मौके पर पुलिस बल भी तैनात है, कोई जनहानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन तस्वीर हम जो देख रहे हैं यहाँ पर किसान डटे हुए ट्रैक पर किसान बैठ चुके हैं। लोकेश नागर, चलिए
संपर्क टूट गया है लोकेश, फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं आपसे। तो एक तस्वीर आप देख रहे हैं, हालांकि ट्रेन का जो संचालन है वो अब बंद कर दिया गया है क्योंकि किसान अब रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हजारों की संख्या में किसान वहां पर पहुंच चुके हैं। और मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, तस्वीर हमने देखी जयपुर की, क्या कुछ माहौल था वहां पर, किसान पहुंच चुके रेलवे ट्रैक पर, फिलहाल दिल्ली में क्या कुछ स्थिति बनी हुई क्योंकि एक घंटे से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। जी देखिए ऋचा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ अपडेट सामने अभी आई हैं। मोदी नगर रेलवे स्टेशन जहां की हम बात कर रहे थे, जहां गाजीपुर बॉर्डर से किसान पहुंचे हुए थे, वो रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पे बैठ गए हैं और उन्होंने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। उसी के साथ मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन, जो काफी संवेदनशील माना जा रहा था, जहां केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान आते हैं, वहां पे भी किसान यूनियन के लोगों ने रेलवे ट्रैक पे कब्जा कर लिया है। इसके चलते इन दोनों रेलवे स्टेशनों पे कब्जा होने के चलते ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पे रोका जा रहा है। मुंबई के बांद्रा से चलकर हरिद्वार जाने वाली स्पेशल ट्रेन को भी यूपी के मेरठ कैंट स्टेशन पर रोक दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा के रोहतक में गंगानगर से दिल्ली जाने वाली इंटरसिटी को भी रोक दिया गया है। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्टेशन पे भी गीता जयंती एक्सप्रेस को रोक दिया गया है और जींद हरियाणा में भी महिला किसान पटरियों पर आकर बैठ गई हैं। तो लगातार देश के कोनों से, अलग अलग कोनों से खबर आ रही है कि रेलवे ट्रैकों पर किसानों का, महिला किसानों का कब्जा जारी है। जी रिचा जी बिल्कुल। प्रशांत जी, बिहार से लेकर दिल्ली तक यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है और आपने खुद कहा कि जो किसान महिला नेता हैं वो भी मौके पर पहुंची हुई हैं, वो भी प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से किसानों ने खुद कहा था कि दिक्कतें नहीं होंगी, असर इसका होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ट्रेन बंद कर दी गई हैं, कहीं दिल्ली में तो मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल ऋचा जी, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में आप देखिए 4 मेट्रो स्टेशन को सुबह से ही बंद कर दिया है, उनका एंट्रेंस एग्जिट दोनों गेट बंद है 4 मेट्रो स्टेशन के, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। उसके अलावा रेलवे मंत्रालय ने एक स्पेशल चार्ट जारी किया है जिसके तहत बिल्कुल प्रशांत जी, आपको मैं रोकना चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ रोकने के लिए, लेकिन जिस तरीके से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर मैं आज आर्य समाज मोदी नगर से आया हूँ और मैं जितने भी आर्य समाज के हमारे साधु सन्यासी बानप्रस्थी और नैस्थिक ब्रह्मचारी हैं उन सबका अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज, जी ने कहा कि शांतिपूर्वक, हाँ हम शांतिपूर्वक, हम तो गांधीवादी हैं, हम शांति से रहने वाले लोग, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने देश आज़ाद कराया गांधी जी के नेतृत्व में और हम सब मिलकर के, क्योंकि ये किसान विरोधी नहीं, ये आम पब्लिक के जो उपभोक्ता हैं उनके विरोध में ज़्यादा है। हम तो किसान तो नमक की रोटी भी खा लेगा लेकिन मर तो वो जाएगा जिसको 100 रुपये किलो आटा मिलेगा। किसान को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो किसान विरोधी है और हम तो गांधीवादी हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से इसको जारी रखेंगे। प्रशांत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, तस्वीर हम देख रहे थे जहां पर किसान बैठे हुए हैं ट्रैक पर और कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ गांधीवादी हैं लेकिन जो सरकार है वो किसान विरोधी है। जी ऋचा जी, देखिए लगातार किसान की बात कर रहे हैं कि सरकार किसान विरोधी है और किसानों के हित में नहीं सोच रही है, इसलिए 85 दिनों से देश का अन्नदाता सड़कों पर उतरा हुआ है और रेल देखकर वो देश को ये जताना चाहता है कि किसान कितना परेशान है, दुखी है और सरकार उनको ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि आज जहां जहां ट्रेनें रोकी जा रही हैं तो इससे उन्हें समझना चाहिए कि आम जनता को कितनी परेशानी होगी, क्योंकि आप देखिए 4 मेट्रो स्टेशन दिल्ली के बंद कर दिए गए, कई जगह इन्होंने कितने रेल रोक दिए, उसके अलावा कई ट्रेनों को कैंसिल नहीं किया गया है। एक विशेष जानकारी, जो एक अफवाह चल रही है कि ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, कैंसिल नहीं की गई, उन्हें डिले किया गया, कुछ स्टेशनों पर सुरक्षा की दृष्टि से रोका गया क्योंकि कल देर रात तक रेल बोर्ड और गृह मंत्रालय दोनों में एक चर्चा हुई, संवेदनशील रूटों और स्टेशनों की जानकारी जुटाई गई और उसके बाद तय किया गया कि कुछ रेलों को डाइवर्ट किया जाएगा, कुछ रेलों को पहले ही रोक दिया जाएगा क्योंकि उन्हें जहां से गुजरना था वो काफी संवेदनशील इलाके माने जा रहे थे, तो सुरक्षा की दृष्टि से उन ट्रेनों को रोका गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आम जन को भी परेशानी हुई है, लेकिन इस दबाव की राजनीति से सरकार पर आज एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि किसान संगठन जो लगातार 85 दिन से आंदोलन कर रहे हैं उनकी बात सरकार सुने और तीनों कृषि बिलों को वापस ले। जी ऋचा जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिक्कतें भी यहाँ पर खड़ी हो रही है क्योंकि
तीन महीने लगभग पूरे ही होने वाले हैं। 85वां आज दिन है। किसान लगातार सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और आज उनका यह रेल रोको अभियान देखने को मिल रहा है, जो कि शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन साफ तौर पर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने की भी कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहीं से कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि वहां पर खुद जो पॉलिटिशियंस हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और इनका समर्थन भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल रीता जी, आप देखिए कि कई जगह इनको अधिकतर किसान संगठनों को विपक्षी राजनीतिक दलों का सहयोग मिल रहे हैं। चाहे आप बिहार का पटना देखिए, वहां पे राजनीतिक दल उतर गए हैं। अलवर देखिए, जो दिल्ली जयपुर रेलवे ट्रैक पे है, वहां पे कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं, कांग्रेस ही समर्थन दे चुके हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का इन्हें समर्थन मिल रहा है। पंजाब में तो सारे विपक्षी दल एकजुट होकर आज रेल रोकने के लिए जुटे हुए, चाहे वो अमृतसर हो या बठिंडा हो, जो भी इलाके हैं, हरियाणा है, वहां भी समर्थन मिल रहा है। तो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में बिल्कुल, और इसका असर कहीं ना कहीं आम इंसान पर जरूर पड़ रहा है। मेरे साथ लगातार जुड़े रहे हैं संवाददाता है लोकेश नागर। लोकेश, तस्वीर हम अभी देख रहे थे जयपुर की, जहां पर आप खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं, कोशिश करी तस्वीर दिखाने की, वहां पर जो किसान है वो पहुंचे हुए हैं, हालांकि 1 घंटा लेट हुए हैं किसान, लेकिन अभी प्रदर्शन वो लगातार किया जा रहा है। मौके पर सारे किसान पहुंच चुके हैं, एक बार आप बात करने की कोशिश कर सके तो करके देखिए। भारी तादाद में यह युवा किसान संगठनों के साथ पहुंचे। हमने अभी बातचीत करने का प्रयास किया था, नरेश मीणा से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में जो किसान है 90 दिन से इन 3 कृषि कानूनों को लेकर परेशान है, और जिस प्रकार कृषि आंदोलन को लेकर राजस्थान में माहौल खड़ा किया जा रहा था, बीजेपी की ओर से बात की जा रही थी। नरेश मीणा ने कहा कि जब तक केंद्र की सरकार इन 3 बिलों को वापस नहीं लेगी तब तक किसानों का ये आंदोलन जारी रहेगा। नरेश मीणा ने यह भी कहा कि यदि केंद्र सरकार की ओर से जल्दी किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो राजस्थान से भी एक बड़ा मूवमेंट लेकर वो दिल्ली की ओर। नागर, आपको मैं रोकना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। प्रशांत शर्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, राजकुमार शर्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीर आप देख रहे थे यहाँ पर जयपुर तस्वीर, जहाँ पर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कृषि कानून का यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज 4 घंटे के लिए यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा।